नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बासौदा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रवासी योजना के अंतर्गत प्रवासी विधायक के तौर पर उत्तर प्रदेश के विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति पहुंचे, टाइम्स न्यूज से खास बातचीत की। प्रवासी विधायक के तौर पर यहां पर आए तो उन्होंने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिले, जनता से मिले, यहां का विकास कार्य देखे, तो उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार यहां पर उन्होंने जो क्षेत्र में घूमे विकास कार्यों से क्या अगली सरकार पर कितना अंतर पड़ेगा और अगली सरकार विकास के दम पर आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं और उसी विकास के दम पर अगली पारी खेलने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से हम 8 दिन यहाँ पर रहे हैं लगभग, और पार्टी के निर्देश के क्रम में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देश के क्रम में और हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके निर्देश के क्रम में हम लोग विभिन्न विधानसभाओं में गए हैं। यहाँ पर हमारी पार्टी के संगठनात्मक दृष्टिकोण से 4 मंडल हैं, चारों मंडलों का भ्रमण किया और कई शक्ति केंद्रों में जा करके हमने ये पाया कि यहाँ का संगठन पहले से ही बहुत मजबूत था। संगठनात्मक दृष्टि से हम लोग काफ़ी यहाँ तक पन्ना प्रमुख तक हम लोग पहुँच गए हैं, और जहाँ कहीं पर भी अभी हमारे पन्ना प्रमुख नहीं बने हैं तो उसके लिए बातचीत करके जल्दी वो पन्ना प्रमुख बन जाएंगे, और चुनाव में सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन, जिसको भी जो आवंटित है उसका काम करके हम लोग जो सरकार के हमारे विकास के काम हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे शौचालय निर्माण की बात हो, चाहे लाडली बहना योजना की बात हो, इन सारी लाभार्थियों से भी हम मिले हैं, तो लाभार्थियों की भी तमाम सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो बताती हैं कि हम पहले कैसे काम करते थे और ये सहायता मिलने के बाद से कैसे काम हम लोग कर रहे हैं। तो लोगों में प्रसन्नता का माहौल है और चुनाव में जाते समय निश्चित रूप से हमारी पार्टी को लोगों का आशीर्वाद मिलने वाला है। जैसा कि आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार, तो बड़ा परिवार में आपको लगा यहाँ पर जिस प्रकार चर्चा होती है गुटबाजी है या गुटबाजी का कोई अगले चुनाव में असर पड़ेगा? नहीं, गुटबाजी है ही नहीं तो असर पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, कोई गुटबाजी नहीं है, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल करके काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने उत्तरदायित्व हैं, सारे लोग अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं। तो ये माना जाएगी मध्य प्रदेश सरकार के विकास कार्यों की रिपोर्ट है या क्षेत्रीय विधायक की रिपोर्ट है? दोनों की रिपोर्ट है भाई, क्षेत्रीय विधायक भी प्रदेश सरकार का ही अंग है और प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करते हुए यहाँ पर विकास के जो 1400-1500 करोड़ के काम आए हैं तो करके लाए हैं, यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके यहाँ विकास के काम हुए हैं, तो दोनों लिए कोई उत्तरदायी है, प्रदेश सरकार भी उत्तरदायी है और आदरणीय माननीय विधायक भी उत्तरदायी हैं, जो काम हुए हैं सबके सामने। मध्य प्रदेश में विकास की दम पर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा इनका कहना है, और जिस प्रकार से क्षेत्र में जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बनाने के लिए यहाँ आए, तो अभी आगे देखना होगा मध्य प्रदेश में इसका कितना प्रभाव पड़ता है। टाइम न्यूज के लिए गंजवादा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।